हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। क्या आप रिसेंटली एक लैपटॉप फाइंड कर रहे हो जिसकी प्राइस हो 80,000 के अंदर और जो आपके अंदर छुपे कैजुअल गेमर को भी सेटिस्फाई करे और आपकी 3D मॉडलिंग हो, रेंडरिंग हो या तो एडिटिंग नीड्स को भी फुलफिल करे एंड ऑब्वियसली आपके डे टू डे वर्क यानी कि रूटीन वर्क को भी बहुत आसान बनाए। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ, इनफैक्ट डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ लिनोवो लीजन 5i गेमिंग लैपटॉप को। अगर आप ये लैपटॉप बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर ये वीडियो के एंड में आप अपना डिसीजन जो भी होगा वो आप फाइनल कर दोगे। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है अगर आप ये चैनल पे नए हो या तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए यार, और ये बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो लिनोवो है वो हमको कौन कौन से मॉडल ऑफर कर रहा है 15 इंच के अंदर और क्या 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 रेट में ऑफर कर रहा है। तो आई नो फ्रेंड्स, सबको एएमडी वाले वर्जन रिसेंटली ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिनोवो ने इंडिया में जो ये लीजन वाला जो मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है वो जस्ट इंटेल वर्जन के साथ ही अवेलेबल है, तो हम लोग वही रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी मॉडल डिफरेंशिएट हुए हैं वो तीन बेस पे हुए हैं, एक तो सीपीयू, सेकंड है जीपीयू एंड थर्ड जो है वो स्टोरेज ऑप्शन के ऊपर। बाकी सब जो डिटेल्स है आप उसकी बिल्टअप ले लो, कीबोर्ड ले लो, डिस्प्ले ले लो, कैमरा ले लो, एडेप्टर ले लो, बैटरी कैपेसिटी ले लो, वो सब कुछ हर एक मॉडल में कॉमन रहने वाला है। तो यहाँ पे हमको दो प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट जो है वो है i5 एंड सेकंड है वो है i7। तो इंटेल के ये दोनों प्रोसेसर ही 10th जनरेशन प्रोसेसर है और पहले हम लोग मॉडल देखेंगे i5 वाले। तो यहाँ पे i5 प्रोसेसर के साथ में लिनोवो लीजन के तीन मॉडल अवेलेबल है। तीन मॉडल में हम लोग अगर पहला मॉडल अगर देखें तो इसमें आ जाती है 512 GB की SSD आती है, ये एक PCI Express M2 स्लॉट वाली SSD है फ्रेंड्स। एंड उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा वो NVIDIA का GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 का ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। एंड द सेकंड मॉडल जो है यहाँ पे जस्ट ग्राफिक्स कार्ड सेम है, एवरीथिंग सेम है, यहाँ पे आपको जस्ट स्टोरेज ऑप्शन में एक तो 256 GB PCI Express बेस NVMe SSD मिल जाएगी एंड उसके साथ में आपको मिलेगी 1 TB 5400 RPM वाली एक हार्ड ड्राइव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ये दोनों मॉडल की अगर प्राइस आप कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8,300 रुपीज का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है जस्ट फॉर द 1 TB हार्ड ड्राइव, वो भी 5400 RPM वाली। अगर आप ये हार्ड ड्राइव कोई भी ऑनलाइन मार्केट से अगर आप परचेस करने जाओगे तो वो आपको अराउंड मेरे ख्याल से मिल जाएगी 4500 रुपीज के आसपास। और अगर आप 7200 RPM वाली कोई हार्ड ड्राइव अगर आप परचेस करने जाओगे तो वो आपको अराउंड मिल जाएगी 7800 to 8000 रुपीज के आसपास। तो फ्रेंड, जस्ट फॉर द 1 TB हार्ड ड्राइव यहाँ पे आपको ज्यादा आपको पे करने पड़ रहे 8300 रुपीज। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर आप फर्स्ट मॉडल लोगे तो फर्स्ट मॉडल के साथ अगर आप हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर दोगे तो वो जस्ट आपको 4,300-4,500 के आसपास ही अपग्रेड हो जाएगी, वो भी 512 GB SSD के साथ में। अगर हम लोग थर्ड मॉडल पे जाएंगे तो थर्ड मॉडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो सेम है सेकंड मॉडल जैसा ही है, जस्ट यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में चेंज है। यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड GTX 1650 के जगह पे यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड GTX 1650 Ti है। तो अगर आप 1650 एंड 1650 Ti की अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप कंपैरिजन करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और ये दोनों मॉडल की अगर हम लोग प्राइस की कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको जस्ट मेरे ख्याल से जस्ट 1650 Ti के लिए 1700 ज्यादा पे करने पड़ रहे, वो इतना ज्यादा प्राइस नहीं है। लेकिन इसको हम लोग थर्ड मॉडल को अगर फर्स्ट मॉडल से कंपेयर करेंगे तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है प्राइस का वो है 10,000 रुपीज का, और वो बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 10,000 जस्ट फॉर द 1650 Ti एंड 1 TB हार्ड ड्राइव वो भी 5400 RPM वाली, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी i5 प्रोसेसर के मॉडल। अगर हम लोग i7 प्रोसेसर के मॉडल की अगर बात करें तो i7 प्रोसेसर के अंदर
कोई भी आपको 512 GB SSD वाला कोई भी यहाँ पे मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जितने भी मॉडल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो है 1 TB हार्ड ड्राइव एंड 256 GB SSD के साथ में ही। जस्ट डिफरेंस है यहाँ पे फर्स्ट मॉडल में आपको जो मिलेगा वो एनवीडिया जीफोर्स का GTX 1650 वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, एंड सेकंड मॉडल में आपको जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा वो 1650 Ti मिलेगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही आपको एक अलग टाइप का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये दोनों मॉडल की प्राइस कंपेयर करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस है 9000 रुपीज का जस्ट फॉर द 1650 Ti ग्राफिक्स कार्ड। एंड यही चीज सेम एज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं i5 के अंदर, तो वहां पे डिफरेंस था 1700 रुपीज का जस्ट। तो यहाँ पे सेम अगर आप i5 प्रोसेसर के साथ में ग्राफिक्स कार्ड 1650 Ti अपग्रेड होता है तो वो वहां पे जस्ट आपको 1700 ही ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। अगर आप वही चीज i7 के अंदर अपग्रेड हो रहा है तो वो हो जाता है 9000 रुपीज का। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बट आप बहुत होशियार हो, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे i7 का थर्ड मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 16 GB रैम मिल जाती है 8+8 GB दो स्टिक के साथ में, और स्टोरेज ऑप्शन सेम है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1650 Ti का, तो उसकी प्राइस भी आप ऊपर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कंपेयर करूं हमारा जो i5 का जो फर्स्ट मॉडल है और i7 का जो फर्स्ट मॉडल है, दोनों मॉडल को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे दोनों के जो ग्राफिक्स कार्ड है वो मुझे सेम मिल रहे हैं, रैम मुझे सेम मिल रही है। तो जस्ट i5 टू i7 अपग्रेड करने के लिए मुझे ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं 14,300 रुपीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिसीजन आपकी जो भी यूजेबिलिटी है उसके ऊपर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यूज कर रहे हो मल्टीकोर गेमिंग, मल्टीकोर सॉफ्टवेयर या तो ऐसी कोई एप्लीकेशन जो जिसमें आपका मल्टीकोर सही में यूज होता है तो फ्रेंड्स आपका i7 लेना वर्थ है। जो अभी आप स्क्रीन पे जो बेंचमार्क की जो कंपैरिजन देख रहे हो i5 एंड i7 की, तो वहां पे आप देखो फ्रेंड्स अगर आप सिंगल कोर की उसकी परफॉर्मेंस आप कंपेयर करोगे तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है i5 प्रोसेसर और i7 प्रोसेसर के बीच में। अगर आप उसकी मल्टी कोर की जो भी परफॉर्मेंस अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे तो वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो आपको आपकी यूजेबिलिटी डिसाइड करनी है कि आप ज्यादातर कौन सा यूज करने वाले हो। आप मल्टी कोर एप्लीकेशन यूज करने वाले हो, मल्टी कोर गेमिंग यूज करने वाले हो, कि सिंगल कोर गेमिंग या तो सिंगल कोर सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हो, तो उसके ऊपर अगर आपकी ज्यादातर मैक्सिमम एप्लीकेशन आपकी सिंगल कोर के ऊपर चलने वाली है तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी आपको जाना चाहिए i5 प्रोसेसर के साथ में 512 GB वाला जो मॉडल है उसके साथ में, क्योंकि 14,300 के अंदर एक तो आप 8 GB रैम अपग्रेड कर सकते हो बहुत इजीली, एंड वहां पे आप 512 GB की और एक SSD आप अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और उसकी परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा i7 की जितनी तो नहीं होगी फिर भी आपको उससे लगभग उससे कंपैरेटिवली वहां पे आपको परफॉर्मेंस एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम जो रिव्यू करने वाला है वो मॉडल है वो 82AU00CFIN जो कि आता है इंटेल कोर इंटेल i5 प्रोसेसर के साथ में 10300H एंड 2.5 GHz जिसकी क्लॉक स्पीड है, और यहाँ पे हमको रैम मिल जाती है 8 GB DDR4 2933 MHz क्लॉक स्पीड वाली, और स्टोरेज के लिए जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था वो है 512 GB SSD यहाँ पे मिल जाती है NVMe, और यहाँ पे हमको ग्राफिक्स के लिए मिल जाता है एनवीडिया GeForce 1650 4 GB ग्राफिक्स कार्ड विथ रैम ऑफ GDDR6। तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर मॉडल कैसा परफॉर्म करता है लेट्स फाइंड आउट।
होंगे फ्रेंड्स, तो जब भी कोई भी सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात आती है तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है गेमिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ गेमिंग टाइटल के साथ ये मशीन को ट्राई करने की, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस चेकआउट करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दो सेटिंग रखी थी। तो फर्स्ट सेटिंग जो भी हाई प्रीसेट सेटिंग गेम ऑफर करती थी पर्टिकुलर ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो, और सेकंड सेटिंग उससे वन स्टेप लोअर। तो जो गेम ऑफर कर रही है उसको हम कहेंगे हाई सेटिंग, और वन स्टेप उससे हमने जो लोअर की है उसको हम कहेंगे मीडियम सेटिंग। तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखोगे तो हाई सेटिंग के अंदर आपको आराम से 40-50 FPS देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मीडियम सेटिंग्स देखोगे तो बहुत यहाँ पे जो आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो बहुत भी बढ़िया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहूंगा कि सब गेम के साथ आपको यहाँ पे 100 FPS हाई सेटिंग में नहीं मिलने वाले, हाँ लेकिन कुछ गेम्स है जैसे कि CS:GO तो उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्राइसिस 3 गेम के अंदर आपको हाई सेटिंग के अंदर 60 FPS मिल रहे हैं, और लेकिन आप जैसे ही उसकी सेटिंग मीडियम पे जाते हो तो आपको यहाँ पे 100-120 FPS आराम से देखने को मिल जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने एक गेम और ट्राई की थी NFS हीट, जिसके अंदर हाई सेटिंग में गेम में मुझे मिल रहे थे 40 FPS, लेकिन गेम थोड़ा लैग हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मीडियम किया तो वहां पे मुझे मिलना चालू हो गया 45-50 FPS और गेम बहुत ही स्मूथली रन कर रहा था। तो ये मशीन के साथ फ्रेंड्स जब तक आप ग्राफिक सेटिंग के ग्राफिक सेटिंग हर एक गेम की हाई आप एक्सपेक्ट नहीं करो तो ये मशीन बहुत सारी गेम है जो आपके लिए प्ले कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप एडिटिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो अभी जो आप स्क्रीन पे रिजल्ट देख रहे हो लाइटरूम रेंडर टेस्ट के, प्रीमियम रेंडर टेस्ट के, तो इसको मैं यही कहूँगा कि ये एक अच्छी मशीन है, बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ये मशीन के साथ में बहुत ही फास्टर रेंडर टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको हम ये मशीन को बोलेंगे कि ये एक एंट्री लेवल एडिटिंग मशीन है। ओके फ्रेंड्स, तो परफॉर्मेंस के बाद में कोई भी सिस्टम का अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है तो वो है थर्मल्स। तो बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स के अपने अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे आसूस का है आर्मरी क्रेट, MSI का है ड्रैगन सेंटर, HP का है ओमेन कमांड सेंटर, वैसे ही लिनोवो का है द लिनोवो वेंटेज। तो इससे लिनोवो वेंटेज से आप कोई भी एप्स या पर्टिकुलर गेम को उसके परफॉर्मेंस मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप CPU GPU को ओवरक्लॉक कर सकते हो बेटर फ्रेम रेट्स के लिए। और यहाँ पे लिनोवो ने बहुत ही सिंपल एक शॉर्टकट की दी हुई है फ्रेंड्स फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, वो है Function+Q, जिससे आप फैन स्पीड को आप साइलेंट टू ऑटो में और ऑटो टू फुल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जितने भी गेम टेस्ट किए थे वो सब मैंने ऑटो फैन स्पीड के ऊपर किए थे, और रूम का जो टेम्परेचर था वो था 25-30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे मैंने जितने भी गेम्स खेले थे वो अराउंड 3-4 आवर्स मैंने गेमिंग की थी, एंड आफ्टर 3-4 आवर्स गेमिंग करने के बाद में मैंने यहाँ पे पूरे लैपटॉप के वेरियस पॉइंट्स के ऊपर जो उसके टेम्परेचर के रीडिंग लिए थे, तो जहाँ पे ये कीबोर्ड के ऊपर WASD की जो की है वहाँ पे वो पोर्शन का जो टेम्परेचर मुझे रीडिंग मिला था वो था 33-35 डिग्री सेल्सियस, और सेंटर ऑफ द कीबोर्ड का जो मुझे टेम्परेचर मिला था वो था अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस, एंड नीचे के जो भी दोनों साइड के पाम रेस है ट्रैक पैड के आजू बाजू वाले तो वो कम्प्लीटली कोल्ड थे। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा मुझे एक ही जगह पे मिला था, वो था लैपटॉप के पीछे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो लैपटॉप के हॉट एयर एग्जॉस्ट करने के वेंट्स है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, और बुरी बात भी है, क्योंकि अगर आप लैपटॉप को दीवार के पास में अगर प्लेस कर दोगे तो जो भी हॉट एयर एग्जॉस्ट हो रही है वेंट से वो वापस रिसर्कुलेट होगी और पूरी सिस्टम को हीटअप कर देगी। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपको जब भी आप लैपटॉप प्लेस करो तो पीछे कोई ऑब्जेक्ट या तो वॉल से उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स अपग्रेडेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको रैम के लिए 2 स्लॉट मिल जाएंगे, 1 स्लॉट में आपको ऑलरेडी 8GB वाली रैम आपको इंस्टॉल मिल जाएगी, और 1 स्लॉट अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे आपको MT मिल जाएगा। यहाँ पे रैम आप अप टू 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो, और M2 SSD के यहाँ पे 2 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक में आपको ऑलरेडी जो भी आपने मॉडल परचेस किया है 512 वाला या 256 वाला, तो 1 स्लॉट में वो आपको इंस्टॉल मिलेगी, और 1 स्लॉट आपको यहाँ पे MT मिल जाएगा, और 1 स्लॉट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है 2.5 इंच SATA स्लॉट, जिसमें आप अगर चाहो तो आप अपनी हार्ड डिस्क वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो, या तो SATA वाली SSD भी वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अपग्रेडेशन के मामले में ये लैपटॉप से आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगी। फ्रेंड्स अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 15.6 इंच फुल HD वाइड व्यूइंग एंगल एंटी ग्लेयर IPS पैनल वाला डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज
रिफ्रेश रेट, तो ये मूवीज एंड गेम्स के लिए सुपर है। यहाँ पे उसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। मुझे एक ही चीज यहाँ पे लोअर साइड लगी, उसकी ब्राइटनेस, क्योंकि अगर आप सेंटर में देखोगे तो वहां पे उसकी यहाँ उसकी ब्राइटनेस मिल जाती है 270 लक्स के आसपास, और बॉटम राइट कॉर्नर में उसकी ब्राइटनेस मिल जाती है अराउंड 250 लक्स के आसपास। तो मे बी अगर आप इसको आउटडोर यूज करोगे फुल सनी डे में तो ये वहां पे आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने इसको इंडोर में फ्रेंड्स चेक किया था फुल लाइटिंग के अंदर, वहां पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स उसको इसकी विजिबिलिटी में मुझे नहीं लगा है। इवन डार्कर गेम के साथ में भी उसकी विजिबिलिटी में कोई भी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं लगा है। अगर आप कोई भी नाइट रेसिंग कर रहे हो तो वहां पे भी इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो पहले हम देखेंगे वायर कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने कितने पोर्ट्स अवेलेबल है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक यूएसबी टाइप ए 3.1 जनरेशन वाला पोर्ट मिल जाता है, जो कि उसकी स्पीड आपको मिल जाएगी 5 Gbps की, और साथ साथ में आपको एक हेडफोन एंड माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक मिल जाता है। राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक यूएसबी टाइप ए 3.1 जनरेशन का एक पोर्ट मिल जाता है, उसके जस्ट बिसाइड ही आपको एक पिन होल दिखेगा जो कि यूज होता है, वो एक नोवो बटन है जो कि यूज होता है आपको लिनोवो वन की रिकवरी के लिए। जब भी सिस्टम नॉर्मली बूट करने में फेल हो जाता है तो तब जाके ये वाला बटन आपको काम आ जाता है। अगर बैक साइड में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप ए के दो पोर्ट्स मिल जाएंगे, जो दोनों पोर्ट्स 3.1 जनरेशन के हैं। एक आपको इथरनेट का पोर्ट मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, वो भी 3.1 जनरेशन वाला है। एक एचडीएमआई का पोर्ट मिल जाएगा, पावर के लिए यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाएगा, कैंसिंगटन लॉक के लिए भी यहाँ पे एक स्लॉट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी उसके वायर्ड पोर्ट्स की वायर्ड पोर्ट्स के बारे में। अगर इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाईफाई 6। अगर स्क्रीन पे देखोगे तो वाईफाई 6 जो इंट्रोड्यूस हुआ है 2019 में, और उसके जो भी एडवांटेज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओवर वाईफाई 4 एंड वाईफाई 5। और यहाँ पे जो ब्लूटूथ मिलने वाला है वो वर्जन 5 है। तो कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे फुल्ली लोडेड आपको मशीन मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होने वाली है। तो इसका जो भी फ्रेंड्स लेफ्ट साइड वाला जो यूएसबी पोर्ट है वो ऑलवेज ऑन रहता है, यानी जब भी आप लैपटॉप को शट डाउन भी कर दोगे तो वहां से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। आगे चले गए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 mm ट्रैवल वाला कीबोर्ड मिल जाएगा। इसके की स्ट्रोक फॉर्म एंड शार्प है, ये कीबोर्ड की जो फीडबैक है वो भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप एक एरर फ्री, उसका जो भी एरर रेट है वो एक्सट्रीमली लो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसकी जो कीबोर्ड की बैकलाइट्स है वो यहाँ पे 6 रो बैकलाइट आपको मिल जाएगी, वो व्हाइट कलर की बैकलाइट मिलेगी। जो ब्राइटनेस लेवल है वो यहाँ पे आपको 2 level ब्राइटनेस उसकी मिल जाएगी। एंड जो की पे है, आप अगर की उसकी फिल करोगे तो वो आपको तो हल्की सी कर्वेचर यहाँ पे मालूम पड़ेगी। यहाँ पे जो नम पैड भी आपको मिल रहा है वो फुल नम पैड मिल रहा है, मतलब इसका जो कीबोर्ड है वो फुल कीबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम ट्रैकपैड की बात करेंगे तो ये फुल्ली प्लास्टिक ट्रैकपैड है, जिसमें कोई भी आपको राइट एंड लेफ्ट साइड का कोई भी बटन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर इसकी आप स्क्रॉलिंग देखोगे तो वो भी बहुत स्मूथ एंड फर्म है। तो ये भी एक ओवरऑल जो आपको कीबोर्ड एंड जो ट्रैकपैड की जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल रही है वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम कैमरा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 720 पिक्सल का कैमरा मिल रहा है विद प्राइवेसी शटर, जिससे आप अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर बैटरी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 60 watt hours की बैटरी, अगर जो आपको बैकअप दे देगी। अगर आप नॉर्मल यूजर्स कर रहे हो, जस्ट सर्फिंग एंड ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, तो आपको अराउंड 4 to 5 hours का यहाँ पे आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा। लेकिन गेमिंग के अंदर मैक्स टू मैक्स ये आपको 1 hours का ही बैकअप देगी। एंड आपको कंटिन्यूअसली आपका जो भी एडेप्टर है, जब भी आप गेमिंग करोगे तो आपका जो एडेप्टर है आपको कंटिन्यूअसली प्लग इन रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे बिल्ड एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे जो लैपटॉप बना है वो टोटली फुल्ली प्लास्टिक से बना है, यहाँ पे मेटल का कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ है, ना ही लीड के लिए ना ही बॉडी के लिए। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो बहुत ही स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, प्रोबेबली आई फील ABS ग्रेड का है।
फ्रेंड्स इसका जो प्रीवियस मॉडल था लीजियन Y540 उसके अंदर रफ फिनिश यूज की गई थी एंड उसका जो लीजियन का जो लोगो था वो भी लाइट अप था, यहाँ पे वो लीजियन का लोगो लाइट अप नहीं है और यहाँ पे जो फिनिश यूज की गई है वो स्मूथ फिनिश यूज की गई है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लिनोवो ये मॉडल के लिए जो उसकी जो डिजाइन है उसकी जो लुक्स है उसको बहुत ही सिंपल एंड सोबर रखना चाहता है। एंड फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे थर्मल्स की, तो हमने जैसे थर्मल के अंदर मैंने आपको जो टेम्परेचर रीडिंग्स बताए थे वो बहुत ही अच्छे नंबर्स है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये लैपटॉप में मुझे जो पसंद आया है वो उसके है एयर वेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप हॉट एयर एग्जॉस्ट के लिए देखोगे तो यहाँ पे 4 वेंट्स यूज किए गए हैं, एक एक वेंट साइड के ऊपर और 2 वेंट बैक साइड के ऊपर। एंड कोल्ड एयर इंटेक्स के लिए यहाँ पे इतना मैसिव ओपनिंग दिया हुआ है, जो यही 2 मेजर रीजंस है फ्रेंड्स कि ये लैपटॉप की जो थर्मल है उसकी जो भी टेम्परेचर की रीडिंग्स है वो इतनी अच्छी है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे स्पीकर्स की, तो यहाँ पे 2 वॉट के आपको 2 स्पीकर मिल जाएंगे विच इज ट्यून बाय हर्मन कार्डन। अगर आप इसकी लाउडनेस की बात करोगे तो ये एक फेयरली लाउड स्पीकर है, आप उसको जब गेम खेलते टाइम, आप उसको मूवीज देखते टाइम आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन कम्पिटिटिव गेमिंग के लिए आप आई थिंक उसको यूज नहीं कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड के बॉक्स में क्या क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर मिल जाता है हमारा प्यारा सा लैपटॉप, फिर आपको मिल जाएगा एक RGB गेमिंग माउस एंड पेपर वर्क, एंड लास्ट इज आपका 170 वॉट का एडेप्टर। तो ये चीजें हमको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रिव्यू को हम कंक्लूड करेंगे PCMark के बेंचमार्क टेस्ट के साथ में। तो यहाँ पे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो रिजल्ट, तो वो सारे जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो उसका ओवरऑल स्कोर मुझे मिला था वो है 5034, तो उसको अगर हम कंपेयर करें एक गेमिंग पीसी के साथ में जो कि बना है राइजन 73700XT एंड ग्राफिक्स कार्ड AMD रेडॉन RX 5700XT, तो ये पीसी का स्कोर PCMark के ऊपर आता है 6183। तो आप अगर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 24% का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसको हम हायर एंड गेमिंग पीसी के साथ अगर कंपेयर करें जो बना है कोर i9 990K प्रोसेसर के साथ में और NVIDIA GeForce RTX 2080 के साथ में, तो उसके स्कोर के साथ अगर ये मशीन के स्कोर को हम कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट 39% ज्यादा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि ये मशीन एक एंट्री लेवल एडिटिंग मशीन है एंड एंट्री लेवल गेमिंग मशीन है, जो आपकी कैजुअल गेमिंग नीड्स को भी फुलफिल करेगा, जो आपकी मतलब टेम्पररी या तो एंट्री लेवल एडिटिंग नीड्स को भी फुलफिल करेगा। तो ये प्राइस के अंदर ये एक मैं बोल सकता हूँ ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, जिससे आप अपनी एडिटिंग, कैजुअल गेमिंग नीड्स, डेली रूटीन्स के वर्क्स सारे आप फुलफिल कर सकते हो। तो ये लैपटॉप में मुझे जो उसके एडवांटेजेस है वो बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं, डिसएडवांटेज यहाँ पे मुझे बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, जो मतलब एक बार आप इग्नोर कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हो, इट विल नेवर लेट यू डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ये लैपटॉप के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आंसर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और ये चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।